السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. आज हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह सूरह हूद. सूरह हूद की आयात है 45 से ऑनवर्ड है इंशाल्लाह, जिनकी आज हम तस्दीक देखेंगे. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. ये हमारे पास आयत है जिसमें सबसे पहले जो पोर्शन है वो है वनादा नूह रब्बहु. इसमें नादा हमारे पास फेल है और इस जुमले में फाइल जो है वो नूह अलैहिस्सलाम है जिन्होंने पुकारा, और मफूल कौन है? रब, यानी अल्लाह ताला को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा. रब्बहू हमारे पास क्या है? मफूल भी है, लेकिन रब्बहू की जो तरकीब है मुरक्कब में ये किस कैटेगरी में आता है? बिल्कुल, ये मुरक्कब इदाफी बनता है. फ़क़ाल रब्बी इन अबनी मिन अहली. अब हम इस पोर्शन को देखते हैं तो इसमें जो हमारे पास फा है वो आतफ है. बिल्कुल, फा आतफ. और जैसे हमने आतफ में देखा था ना कि फा जो है वो फौरन के लिए आता है, मतलब एक चीज हुई उसके बाद हम फा इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है फौरन वो काम हुआ. और एक जुमले के बीच में जब सुम्मा आ जाता है तो सुम्मा थोड़ी सी ताखीर का को शो करता है. नहीं, सुम्मा जो है वो ताखीर को शो करता है, जो नेक्स्ट काम है वो हुआ है लेकिन थोड़ी सी ताखीर के साथ. ये हम लोगों ने जब हुरूफ आतफ देखे हैं तो उसमें हमने ये चीज देखी है कि फा और सुम्मा के बीच में डिफरेंस क्या है. तो हजरत नूह अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा तो अल्लाह ताला ने फौरन जवाब दिया, फा फकौला. तो फिर अल्लाह ताला ने फौरन कहा. अच्छा, इसमें अब कौला हमारे पास फेल माबी आ गया है जो कि मुजरद में से है, और मुजरद में से है और इसमें हर्फ इल्ला आ रहा है. बीच में जो अलिफ है उसकी असल या है, नहीं वाव है, वाव कौला या कोलो, वाव इसकी असल है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ रहा है कौला, नहीं ये कौला जो है ना इसमें जो फाइल है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही है. हाँ, मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर गई, इसमें अल्लाह ताला ने जवाब नहीं दिया फौरन से. वनादा नूह रब्बहु, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा अपने रब को. फकौला रब्बी इन नबनी मिन अहली, तो उसके बाद ये कहने वाले यानी उन्होंने पुकारने के बाद अल्लाह ताला को कहा, और ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही कह रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ही बात की कंटिन्यूएशन है कि मेरा बेटा जो है वो मेरे घर वालों में से है, इसका ये पूरा मतलब है. तो औला के अंदर जो दमीर है हुआ की वो नूह अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है. अच्छा, इसके बाद है हमारे पास रब्बी. रब्बी को कोई एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे ये क्या है? रब्बी हर जर्मा. नहीं, रब्बी में तो हर्फ चार थे. ये असल में मेरे रब के लिए है और इसमें या जो है वो हजफ हुआ हुआ है और ये निदा के अंदर आ रहा है. बिल्कुल, इसमें हर्फ निदा भी हजफ है और याए मुतकलम भी हजफ है. और असल में जो है जो रब है वो हालत नसब में है, यानी उसकी हालत हालत नसब है. क्योंकि फकौला में जो फेल मौजूद है तो उसके बाद फाइल जो है वो नहीं, ये फाइल की वजह से हालत नसब नहीं है बल्कि ये
حالت نصب جو ہے وہ منادا مباف کی وجہ سے ہے, کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس جو یا حذف ہے اس کے بعد رب ہے حالت نصب میں, کیونکہ وہ مباف ہے اس لیے یہاں پر اس کی حالت منصوب ہے. اوکے لبنی من اہلی, اب یہاں پر یہ ہمارا جو سینٹینس کا پارٹ ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے انا سے جو کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے, تو اس میں ہمارا جو ہے انا کے بعد جو ہمارا اسم ہے وہ کون سا ہے, کیونکہ انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اور اس میں پھر ہمارے پاس اسم و انا اور خبر و انا ہوتی ہے, تو اس میں ہمارا اسم کون سا ہے؟ ابن ہے اور یا جو ہے وہ میری کی لگ رہی ہے. بالکل ابن جو ہے وہ اسم و انا ہے اور مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ یا متکلم جو ساتھ میں آئی ہوئی ہے یہ مضاف الیہ ہے. اچھا من اہلی یہ شب جملہ ہے جو کہ خبر و انا ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے واؤ عطف ہے وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ, تو یہاں پر پھر ہمارے پاس جملہ حروف مشبہ بالفعل سے شروع ہو رہا ہے, تو اس میں ہمارے پاس اسم و انا اور خبر و انا کون کون سی ہیں اس جملے کے اندر؟ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ, اس میں وعدہ جو ہے وہ اسم و انا بنے گا, کا جو ہے وہ اس کے ساتھ موقع بناتا ہے اور اثر کو جو ہے وہ خبر بنے گا. بالکل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ہمارے پاس ایک سادہ سا جملہ اسمیہ بن رہا ہے جو کہ حرف عطف سے شروع ہو رہا ہے, تو اس میں ہم اس میں مبتدا اور خبر کی تعین کریں, بتائیں کہ کہاں ہے مبتدا کہاں ہے خبر. تو انتا جو ہے یہ مبتدا بنے گا اور احکم جو ہے یہ فعل میں بنے گا اور حاکمین جو ہے یہ اس کے ساتھ جائے گا. احکم جو ہے یہ ہمارے پاس اسم ہے اور افعال و تفضیل کے سیگے میں جو ہم نے پڑھا تھا نا افعال و سپرلیٹیو ڈگری جو پڑھی تھی یہ وزن پہ ہے, یعنی احکم سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا جو ہے نا اس کی طرح اس کو کہا جا رہا ہے یہاں پر احکم کمپیریزن جا رہا ہے نا. بالکل یعنی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں نا وانت احکم الحاکمین, یعنی جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان سب میں سب سے بیٹر جو ہے وہ سب سے اچھے بہترین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ ناز منوز کا کچھ اس میں بنتا تو نہیں ہے؟ ناز میں بھی تعریف ہو رہی ہوتی ہے نا. ہاں اس میں بھی مطلب صفت بیان ہو رہی ہوتی ہے, سیکنڈ جو ورڈ ہے وہ ہمارے پاس صفہ میں آ رہا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر یہ جو ہے نا یہ مضاف مضاف الیہ ہے. کیونکہ صفہ موصوف میں ایک چیز آپ اپنے مائنڈ میں کلیئر رکھیں کہ اس میں نا ہمارے پاس جو صفہ ہوتی ہے نا وہ موصوف کو چاروں پہلو میں وہ کر رہی ہوتی ہے, فالو کر رہی ہوتی ہے, کتاب میں, عدد میں, جنس میں, ہر چیز میں وہ فالو کرتی ہے, تو وہ بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں. بالکل یہاں پہ ڈفرینٹ ہے, احکم جو ہے مرفوع ہے اور حاکمین جو ہے وہ نصب جر میں جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ال کے ساتھ شروع ہو رہا ہے, میرے خیال میں اس میں تبدیل کی طرح ہے کہ یہ احکم و اکبر. جی بالکل احکم جو ہے وہ اسم تفضیل کا ہی صیغہ ہے اور احکم الحاکمین جو ہمارے پاس مرکب بنتا ہے وہ مرکب اضافی ہے. ہم وہ گرامر اس میں کیے نا مدینہ بک اکبر مطلب جی جب آتا ہے تو اسے مضاف. ہاں جی ہاں جی اوکے ٹھیک. پھر اگلی آیت ہمارے پاس ہے قال یا نوح انہ لیس من اہلک, تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جملہ اس میں ہمارے پاس فیل سب سے اعلیٰ سب سے پہلے آ رہا ہے جو کہ فیل ماضی ہے. اسم انا ہے نا انہ. ہاں جی اسم یہ حرف مشبہ بالفعل میں سے آ رہا ہے انا, انہ لیس من اہلک. یا نوح کو ہم دیکھ لیتے ہیں, جیسے یہاں پر جو ہے یا ہمارے پاس حرف ندا ہے اور نوح چونکہ مفرد ہے اس لیے حالت رفع میں آ رہا ہے,
जैसे इससे पहले जो है हमारे पास क्या आया था, हाँ जैसे ये रब्बी आ रहा है ना, तो इसमें हर्फ निदा महजूफ है और ये चूंकि मुदाफ मुदाफ इलाही की तरकीब है इसलिए इसमें रब जो है वो हालत नसब में है। लेकिन अब जो हमारे पास इस आयत में या नूहु आया है तो नूह हमारे पास मुफरद है, इस वजह से ये हालत रफ में है। तो जब मुफरद होता है मुनादा हमारे पास तो वो हालत रफ में होता है, जब मुदाफ मुदाफ इलाही की तरकीब होती है तो मुदाफ उसमें हालत नसब में चला जाता है। अब हम चलते हैं इन्ना की तरफ। इन्ना हू लैसा मिन अहलिक, तो इन्ना जो है वो हर्फ मुशब्बा बिल फील हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास इस्मु इन्ना और खबर कहाँ पे होगी, इन्नहु लैसा मिन अहलिक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जुमला एक है लेकिन इन्ना हमारे पास वो आ रहा है हर्फ मुशब्बा बिल फील आ रहा है, जबकि लैसा जो है वो काना व अखवातिहा में से है। मुदाफ मुदाफिल है, हाँ जी, मिन अहल जो है वो जार मजरूर है और अहली का जो है वो मुदाफ मुदाफिल है। लेकिन हम अगर इन्ना की इस्म और खबर को हम देखें तो जैसे एक स्टूडेंट ने बताया हु जो है वो इस्मु इन्ना है और खबर यहाँ पे हमारे पास ये पूरा सेंटेंस है लैसा मिन अहलिक, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक जुमला है ना जो के काना व खवातिहा में से आ रहा है, तो लैसा मिन अहलिक। अब जब अब इस खबर को जो कि इन खबर इन्ना है उसको अगर हम देखते हैं और उसकी उसके उसके अज्जा को हम देखते हैं तो लैसा हमारे पास हो गया काना व खवातिहा, ठीक है। अब इसमें हम देखें कि इस्मु लैसा और खबर लैसा कौन सी है, तो यहाँ पे लैसा के अंदर जो दमीर हिडन है हुआ की वो हमारे पास इस्मु लैसा हो गया और मिन अहलिक जो है वो शब जुमला जो कि हमारे पास जुमला इस्मिया के अंदर आता है शब जुमला ये जार मजरूर की तरकीब में वो हमारे पास हो गया, जो कि मुतल्लिक खबर भी होती है, खबर की गैर मौजूदगी में हम उसको खबर भी कह देते हैं, तो ये शब जुमला हो गया हमारे पास। इसके बाद जो अगला पोर्शन है वो अगेन हमारे पास आ रहा है हर्फ मुशब्बा बिल फेल से शुरू हो रहा है इन्नहु आमलुन गैरु सालिह, तो इसको हम देखें तो यहाँ पे हमें इस्मु इन्ना और खबर इन्ना कहाँ पे होगी हमारे हमारे लिए हु में इस्मु इन्ना है लेकिन इस्मु इन्ना तो मंसूब में हाँ, तो यहाँ पर ये जो हु है ये मंसूब ही है ना, मंसूब है, तो यही हमारे पास जो है वो इस्मु इन्ना है। और खबर मरफू गैरुन सालिहिन गैरु सालिहिन अमलुन गैरु सालिहिन, इसमें अमलुन जो है वो खबर इन्ना है, फिर ये गैरु सालिहिन अगर ये जुमले इसमें है तो फिर मजीद जुमले इसमें है के और पास ये बस एक और एक्सप्लेनेशन है जो कि हमें अमल के बारे में बताई जा रही है कि वो क्योंकि यहाँ पर बात तो हजरत नूह अलैहि सलाम के बेटे की हो रही है ना हुआ अमलुन, और वो अमल के बारे में हमें और एक्सप्लेनेशन मिल रही है गैरु सालिहिन, तो ये मुतल्लिक खबर हो जाता है ना, इसको मुतल्लिक खबर एक्चुअली नहीं कह सकते या क्योंकि हमारे पास जो मुतल्लिक खबर होता है वो जार मजरूर होता है या ज़र्फ होते हैं, शिब जुमला जो होता है ना वो हमारा मुतल्लिक खबर होता है, तो ये जो है ये मुदाफ मुदाफ इलैही की तरकीब है, मतलब ये रूल है कि मुतल्लिक खबर हो तो सिर्फ शिब जुमला ही और जार मजरूर। हाँ जी, शिब जुमला जैसे हमने किताब में भी पढ़ा था ना कि जो हमारा शिब जुमला होता है वो हमारे ज़ुरूफ होते हैं और हमारे पास जो जार मजरूर की तरकीब होती है वो हमारे पास शिब जुमला होता है, और अगर मुदाफ 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 इलैह सिफा मौसूफ की तरकीब होती है तो वो शिब जुमला में नहीं आती, तो उसको हम शिब जुमला नहीं कह सकते। तो इसको यहाँ पर इन्नहु अमलुन में जो है हु हमारे पास इस्मु इन्ना है, अमल हमारे पास खबरु इन्ना है, और गैरु सालिहिन मुदाफ मुदाफ इलैह की तरकीब है इसके अंदर, क्योंकि ठीक
इसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं. असल में देखे हम जो है ना, हमने ग्रामर शुरू जरूर किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आई हैं या जिनको अभी हमने कवर नहीं किया हुआ. क्योंकि अरबी जबान जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें नहव होती है, फिर सर्फ होती है, फिर बलागा होती है, उसमें बहुत सारी और चीजें होती हैं. तो हमने जितना पढ़ा है हम उसी को तदबीक में रखें. अगर हम और ज्यादा जाते हैं तो फिर हमें और ज्यादा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और ज्यादा रूल्स जो होंगे वो फिर हमें एक्सप्लोर करने पड़ेंगे. तो यहाँ पर जैसे मैंने इराब की किताबों में देखा तो ये गैर को यहाँ पर नात कहा गया है, और नात है ये अमल की, ठीक है, अमल गैर नात मन. हाँ, ये जो है ये नात है, अमल जो है वो नात है, सॉरी अमल मनऊत है, गैर नात है, और गैर सालिहिन मुदाफ मुदाफ इलैह है. तो इस तरीके से ये पूरा एक ही जुज बनता है ना, अमलुन गैरु सालिहिन. तो इसमें हम इसको सेपरेट नहीं कर रहे, वो खबर की ही जिस तरह मुदाफ मुदाफ इलैह होता है या सिफा मौसूफ होती है, उसी की कंटिन्यूएशन है ये एक तरह से, कि अमल जो है वो मनऊत है, फिर नात आ गई और उसके बाद मुदाफ इलैह आ गया. लेकिन यूजुअली नात पहले आता है ना, मतलब मौसूफ सिफा में ये पहले गैर आना चाहिए, बाद में अमल आना चाहिए. नहीं, हमारी जो सिफा होती है वो बाद में आती है. गुड बॉय, ओके ओके. मौसूफ होता है वो पहले आता है, ठीक. इसके बाद हमारे पास है फला, फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म. ये हमारे पास जुमला हो गया एक यहाँ पर. तो फा जो है ये हमारे पास यहाँ पर जो फा है वो राबिता है, और ये शर्त के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है. ली जवाब शर्त यहाँ पर राबिता के लिए हो रहा है, लेकिन ये ली जवाब शर्त इसके साथ ला भी है ना मैम, नहीं नहीं के माने पला पस नहीं जी मुदारे. हाँ जी, यहाँ पर ये जो ला है हमारे पास ये फेल मुदारे को मज़ूम कर रहा है जी. तो ये वाला ला जो है हमारे पास ला नाहिया हो गया. तस अल मुदारे मज़ूम है. तस अल नी, अब यहाँ पर तस अल नी के यानी नून के बाद या मुतकलम हजफ है, यानी ना सवाल करो, ना तुम सवाल करो मुझसे. यानी इस पूरे सेंटेंस को जब हम इस पूरे वर्ड को जब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं तो ये है कि ना तुम सवाल करो मुझसे. तो यहाँ ये जो या है या मुतकल्लम वो महजूफ है, और वो मतलब अल्लाह ताला कह रहे ना हजरत अलैहि सलाम, यहाँ पे जो तस अल के अंदर जो दमीर हिडन है अंता की, वो हजरत अलैहि सलाम की तरफ जा रही है, और या जो है या मुतकल्लम वो अल्लाह ताला की तरफ जा रही है, ला तसअलनी जो कि महजूफ है. और ये नून वकाया है, ये जो यहाँ पर नून हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फेल के साथ जब हमारे पास या मुतकल्लम अटैच होती है तो नून वकाया आता है, जो कि या मुतकल्लम की शर्त को पूरा करता है कि उससे बिफोर वाले लेटर पे कसरा होनी चाहिए, ठीक. और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो फाइल है वो अंता की दमीर हिडन है, और जो या मुतकल्लम है वो मफ़ऊलुन बिही है जो कि महजूफ है, ठीक. फिर है हमारे पास मा लैसा लका बिही इल्म. मा जो है वो इस्म मौसूल हो गया, लैसा काना व अखवातिहा के ग्रुप में से है. अब यहाँ पे इस्मु लैसा और खबरु लैसा को हम अगर डिफाइन करें तो वो हमारे पास कौन सा होगा, लका बिही इल्म में. लका इस्मु, इस्मु लैसा. लका जो है वो कभी भी इस्म की जगह पे नहीं आ सकता, क्योंकि जार मजरूर शिब जुमला हमेशा मुतल्लिक खबर या खबर की पोस्ट पे होते हैं.
मुदाफिल है ना लका जार लैसा के अंदर, लैसा के अंदर हुआ कि एक है उस वो होगा इसका इसम और लका भी इन जो है ये खबर के अंदर से जारी होगी इसकी। यहाँ पर असल में जो हमारा इस्मो लैसा है वो मुतअखिर है, यानी ये जो इल्म है वो हमारे पास इस्मो लैसा है, क्योंकि देखें काना खवातिहा में जो हमारे पास इस्म होता है वो हालत रफ में होता है, तो इल्म जो है ये हमारे पास हो गया इस्मो लैसा। और लका और बिही ये दोनों जो है ये शिप जुमला आ रहे हैं हमारे पास, जो के दोनों जार मजरूर है मुतालिक खबर। अभी हर्फ जार इसम मजरूर नहीं आता मैम? हाँ जी हर्फ जार है लेकिन जुमले के अंदर जो है ये मुतालिक खबर है, क्योंकि लैसा में लैसा की जो लैसा आता है वो एक जुमला इस्मिया के शुरू में आता है, क्योंकि काना व खवाती हर के ग्रुप में से है, तो लका भी और बिही भी हैं तो दोनों मुरक्कब जार, लेकिन जुमले के अंदर ये दोनों मुतालिक खबर हैं। इसके बाद है इन्नी अऊज़ुका अन तकूना मिनल जाहिली। अब यहां पर इन्नी अऊज़ुका इसको सिर्फ हम देखेंगे इन दो वर्ड्स को, क्योंकि इन्ना आ गया इन्ना ख़वातिहा में से, तो यहाँ पर हमारे पास इस्म और खबर कौन होंगे, कौन से होंगे जो इन्ना के होंगे? इस्मो इन्ना इन्नी में जो या है ये वाला मैं वाला इस्मो इन्ना, आऊज़ु भी का आऊज़ु ये वाला खबर है, ये आऊज़ु है आऊज़ु का आऊज़ु। अच्छा जब ये खबर बनेगी तो फिर ये आऊज़ु होना चाहिए? नहीं ये है ही आऊज़ु का, ये अलिफ मैं के लिए है, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ बात के साथ। हाँ जी नसीहत करना। अच्छा इसमें ये जो है ये फेल हमारे पास खबर आ रहा है, ठीक, और इस फेल के अंदर हम अगर देखें तो अना की दमीर है जो कि फाइल है और का जो है वो मफ़ऊल भी ही है, ठीक है। समझ आ गई, आगे चले जी। आऊज़ भी का तो एक बार रिपीट कीजिए ना। उसका जो है ना वो नेक्स्ट उसमें आ रहा है 47 में, हम अभी हैं 46 के लास्ट लाइन में। इन्नी आऊज़ु का यहाँ पर इन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल या मुतकल्लम जो है ये इस्मो इन्ना हो गई, आऊज़ु का खबर हो गई, ठीक। और खबर को जब हम देखेंगे क्योंकि जुमला फेलिया है खबर हमारे पास, तो इसमें हमारे पास अना फाइल हो गया जो कि आऊज़ु के अंदर है और का मफ़ऊल भी ही हो गया, यानी मैं नसीहत करता हूँ तुम्हें, मैं वास करता हूँ तुम्हें, तो मैं जो है वो फाइल है और का की दमीर जो है वो मफ़ऊल भी ही है। तो यहाँ पे जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, तो ये जो मैं है आऊज़ु ये अल्लाह ताला की तरफ अना की दमीर जा रही है, और जो का है वो नहीं 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 ये हजरत नूह अलैहि सलाम कह रहे हैं फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म इन्नी अऊज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। बिल्कुल ये अल्लाह यहाँ पर अना जो है वो अल्लाह ताला की तरफ है और का जो है वो इस्लाम की तरफ है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं ना हजरत नूह अलैहि सलाम को कि वो जाहिलों में से ना हो जाए, ठीक। अब हम अगले वाले लास्ट हिस्से को देखते हैं अंतकूना मिनल जाहिलीन। तो यहाँ पर अंतकूना ये हमारे पास बन जाता है मस्तर मुअव्वल, सर मुअव्वल वो मुखफ़फ़ वाला अन्ना वाला शॉर्ट होके साकिन वाला वो वाला नहीं है, और अगर वर्ब से पहले आया तो ये मस्तर मुअव्वल। हाँ जी क्योंकि ये फेल के साथ जब आता है ना, अन जो है जब फेल के साथ आता है तो ये फिर फेल को मस्तर मुअव्वल बना देता है, उसका उसका वो जमाना खत्म कर देता है। हाँ ये जो है ट्रांसलेशन इसकी जो है वो मस्तर की तरह होती है फिर, के ना मैं हो जाऊं के हो जाऊं अन के माने। हाँ जी के मीनिंग में आते हैं के तुम हो जाओ, तुम हो जाहिलों में से।
तो अब जैसे यहाँ पर आ रहा है तकूनु, जो कि काना का मुदारे है, तो यहाँ पर हमारे पास ये काना व अखवातिहा के ग्रुप में से आ गया, तो इसके अंदर जो दमीर हिडन है अंता की वो हो गई इस्मु कान, इस्मु तकून, और मिनल जाहिलीन जो है वो खबर हो गई है, ठीक है, क्योंकि काना व अखवातिहा जो है उसमें फिर हमारे पास इस्म और खबर उसके अगले जुमले में आ रहा होता है। ओके, ये हमारी होगी 46 कंप्लीट। इसके बाद है 47। قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم। यहाँ पे औला फिल माजी नूह अलैहि सलाम कह रहे हैं अल्लाह से मना। खाला कहा रहा है खाला शुरू हो रहा था जुमले पे लिया जी बिल्कुल जुमला पे लिया है औला और इन्नी। हाँ ये रब्बी क्या है रब्बी पहले भी गुजरा है मुनादा उसके पहले या आगे या भी हजफ है और या मुतकल्लम भी हजफ है जो कि ए मेरे रब इसका तर्जुमा है ना तो या जो कि हर्फ निदा है वो भी हजफ है जो शुरू में है और या मुतकल्लम जो रब के बाद है वो भी महसूफ है। इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका इन्नी अऊज़ु बिका इन अगेन इन्ना हमारे पास आ गया हर्फ मुतबादिल इसमें हमारे पास इस्मु इन्ना कौन सा होगा या मुतकल्लिम बिल्कुल या मुतकल्लिम जो है वो हमारे पास इस्मु इन्ना हो जाएगा और अऊज़ु बिका फिर हमारे पास जुमला फेलिया है जो कि खबर है तो ये भी बिल्कुल ऊपर वाले ही की तरह है जैसे इन्नी अऊज़ु का में जो हमारे पास तरकीब बन रही थी या मुतकल्लिम इस्मु इन्ना था और फेल हमारे पास खबर तो बिल्कुल उसी तरीके से ये इन्नी अऊज़ु बिका भी यहाँ पे भी या जो है वो इस्मु इन्ना हो गई और अऊज़ु बिका हमारे पास फेल खबर नहीं है। इसमें अऊज़ु अलग है बिका अलग नहीं जी बिल्कुल अऊज़ु जो है वो हमारे पास फेल है जी और अऊज़ु बी होता है जैसे हम अऊज़ु बिल्लाह शुरू में पढ़ते हैं उसमें भी ये जो हर्फ जार है ये अल्लाह के साथ कनेक्ट होता है यहाँ पे का के साथ कनेक्ट हुआ है ये क्योंकि कोई कोई फेल हमारे पास हर्फ जार के साथ आते हैं तो ये वाला जो अऊज़ु का फेल है ये बी अपने साथ लेके आता है यानी हर्फ जार के साथ इस्तेमाल होता है जैसे हम कहते हैं ना फरजतु मिनल बैति फरजतु मिन हो जाता है तो एक फेल के साथ कोई डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हर्फ जार जिनका इस्तेमाल होता है जैसे इंग्लिश में भी हम समटाइम्स जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो कुछ वर्ब्स के साथ यूज करते हैं बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास फेल के अंदर कोई अफाल ऐसे होते हैं कुछ अफाल ऐसे होते हैं जो अपने साथ हर्फ जार का इस्तेमाल जरूर करते हैं उनके साथ मस्ट प्रीपोजिशन इस्तेमाल होती है तो अऊज़ु बी होता है तो इसमें अऊज़ु में अना की दमीर है और बी उसके साथ उसका हर्फ जार है और का जो है वो दमीर यूज हो रही है तो इसको जो है हम बिका को फिर कहते हैं कि मुतलिक फेल है इसे क्योंकि जार मजरूर की तरकीब बन जाती है यहाँ पे। अच्छा अब कोई स्टूडेंट कुछ कह रहा था मेरे ख्याल है ओके ये हमारे पास मैं बिका पूछ रही थी शिव जुमला है क्या मैम नहीं शिव जुमला हमारे पास जुमला इस्मिया में होता है तो यहाँ पर हमारा जो है ना अऊज़ु फेल आ रहा है तो बिका फिर उसके बाद मुतालिक फेल हो जाएगा जैसे यही जार मजरूर की जो तरकीब है जुमला इस्मिया में मुतालिक खबर हो जाती है और जुमला फेलिया में मुतालिक फेल हो जाती है। अन अस्अलका फिर हमारे पास मस्दर मुअव्वल आ गया तो हाँ और इसी वजह से ये देखे ना कि जैसे आई नंबर 46 के एंड में भी जो अन आ रहा था वहां पर असल में जो फेल होता है वो तकूनू होता है
लेकिन अन नवासिबुल मुदारे में से होता है इसलिए अन तकूना हो जाता है। और अन अस अला का यहाँ पे भी अस अलू होता है तो ये भी अस अला किस वजह से हुआ, अन की वजह से हुआ, नवासिबुल मुदारे की वजह से। और मस्तर मोबल हो गया अन अस अला और का जो है वो दमीर आ रही है इसके साथ तो अस अला का ये यहाँ पर मफ़ऊल बिही की दमीर आ रही है इसके साथ। फिर मालैसा ली बिही इल्म, मा इस्म मौसूल के मीनिंग में आ गया, जो का तर्जमा देता है ये लैसा ली बिही इल्म। ये बिल्कुल जिस तरह हमारे पास लैसा लका बिही इल्म आ रहा था ऊपर वाली आयत में, बिल्कुल उसी की तरह लैसा ली बिही इल्म है जिसमें लैसा अफवातिहा में से है और यहाँ पे भी इल्म जो है वो हमारे पास इस्मु लैसा हो गया और ली और बिही जो है ये दोनों मुतअल्लिक खबर हो गए। फिर आगे हम चलें तो व इल्ला तग़फिर ली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। तो व इल्ला में जो है हमारे पास इन है वाव आतफ, हाँ जी ये वाव आतफ के लिए है इल्ला मगर इल्ला जो है ये वो इस्तिस्ना वाला इल्ला नहीं है, इसके अंदर हमारे पास इन और ला ये इन दो को मिला के इल्ला हुआ है ठीक है, क्योंकि हम हमारे पास जब भी नून साकिन के बाद लाम आ जाता है तो हम वहां पर मर्जिंग करते हैं और गुन्ना साउंड नहीं होती, हम नेजल साउंड के बगैर वहां जो है वो इदगाम कर रहे होते हैं तो ये उसी की तरह यहाँ पर लिखा भी नहीं है नून। तो इल्ला जो है ये इन हर्फ आतफ है, सॉरी इन जो है वो हर्फ शर्त है शर्त और हर्फ शर्त के बाद हमारे पास जो है वो ला आ रहा है जी। ये तो मुदारे हो गया ना, मैं तकफिर ली, हाँ जी तकफिर जो है वो मुदारे है लेकिन यहाँ पर मुदारे हमारे पास मज़ूम है मरफू नहीं है और वो इसलिए क्योंकि ला हमारा जो यहाँ पर है वो ला नाहिया है इसकी वजह से जो है वो तौफिर मुदारे मज़ूम हो गया और ली जो है ये मुतालिक फेल आ गया। व इल्ला तौफिर ली व तरहमनी, वाव यहाँ पर भी आतफ के लिए है और ये जो तरहम है ये भी क्योंकि आतफ है इसलिए इसके ऊपर भी तौफिर का इफेक्ट हो रहा है, जिस तरह तौफिर के ऊपर इफेक्ट हुआ है इसी तरह तरहम के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है ला नाहिया का इस आतफ की वजह से जी। और ये जो नी है ये मफ़ऊलुन बिही है, इसमें नून ये नून बकाया आ रहा है। अच्छा ये अब चूंकि इल्ला से शुरू हुआ है जुमला तो यहाँ पर एक शर्त है कि अगर तूने मुझे माफ ना किया और मुझ पे रहम ना किया तो उसके जवाब में क्या हो रहा है कि जवाब शर्त अब शुरू हो रहा है अकुम मिनल खासिरीन, तो मैं फिर खसारा आने वाले लोगों के में से शामिल हो जाऊंगा। तो यानी एक शर्त है और उसके बाद फिर एक जवाब शर्त है ठीक है। तो ये जो शुरू में इन से शुरू हो रहा है एक सेंटेंस शर्त के लिए आ रहा है तो उसका जो जवाब है वो अकुम मिनल खासिरीन है। तो यहां पर अकुन फिर काना व अखवातिहा वाले फेल में से आ गया है जो कि इसका मुबारे का मुबारे मुतकलम का सीगा है ये यहाँ पर अकुन और मिनल खासिरीन ये हमारे पास शिबह जुमला आ जाती है और अकुन के अंदर जो दमीर हिडन है वो फिर इस्मो काना है। ओके क्लियर होगी ये आयत ठीक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। ये इल्ला जो है ना हम इसके मीनिंग समझने के बाद ही डिसाइड करेंगे ना, मतलब ये मुस्तस्ना है या फिर वो इदगाम वाला है इन और ला, वरना तो ऐसे नहीं समझ सकेंगे। इल्ला देखने से एकदम लग रहा है कि ये मुस्तस्ना बस इल्ला इल्ला है। ये आपकी बिल्कुल बात सही है कि हम देख के इसको किस तरह से जज कर सकते हैं। तो मैं फिर यही बात कहूंगी कि हम सीखने के अभी उस लेवल पे हैं
कि हम जो है वो एराब की तफसीरों के बगैर एक कदम नहीं चल सकते, क्योंकि कुरान है और कुरान के मुकाबले में जैसे हम बहुत सारी बार इस मिसाल को पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है हाँ ठीक है तुम अकेले हो चाहे ग्रुप में हो चाहे जितने मर्जी का ग्रुप बना लो, ले आओ इसके जैसी एक आयत ही ले आओ। तो वो लोगों ने कोशिश भी की और उन लोगों ने कोशिश की जिनको अरबी जबान की बड़ी बहुत ज्यादा इल्म था। ठीक है, हम तो अभी एक थोड़ा सा एक इसको पहचानने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो पूरा एक समंदर है। उन लोगों के पास वाकई अरबी जबान का इल्म था। आप देखें मक्का के लोगों के पास अरबी जबान का कितना ज्यादा इल्म था, वो अहले जबान थे और उनको अपनी जबान पे नाज भी था और वो सीखते भी बहुत थे अपनी जबान का। लेकिन उसके बावजूद उनके दौर के किसी बंदे ने कोशिश नहीं की कि हम कुरान जैसी एक आयत ही ले आए। ठीक है, तो ये बलागत के और इल्म के उस लेवल पे है जहां तक मतलब इंसान की समझ, इंसान एक्सप्लोर करता जाता है, करता जाता है, कुरान की आयतें पढ़ के करता जाता है, लेकिन इसका जो है ना समझ और फहम वो खत्म नहीं होता। तो ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि इसको समझने के लिए हमें तफसीर को देखना पड़ेगा। इराक की जो तफसीर है उनके बगैर हम अगर करेंगे तो हो सकता है हम कोई मिस्टेक कर लें। तो इसलिए इसकी अगर हम अरबिक यानी जो इसके ऊपर तदबीक है वो भी हम करना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई एक अरब की तफसीर या किसी एक अच्छे आलिम के साथ बैठ के, जैसे YouTube पे भी बहुत ज्यादा तदबीकों के आपको लेक्चर्स वगैरह मिलते हैं जो कि अच्छे स्कॉलर्स ने किए होते हैं, तो आप उनके साथ या तो बैठ के इस चीज को समझने की कोशिश करें या अरब की किताबें खोल के जो है वो इसको समझें, क्योंकि इनके बगैर जो है ना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह ताला का कलाम है और इसके अंदर बहुत वुस्सत है, बहुत इल्म छुपा हुआ है, तो इसलिए ठीक। इसमें फिर हम आगे देखें तो قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये कीला है ये कौन सा फेल है? फेल माजी। माजी में हमारे पास दो कैटेगरीज थी, मारूफ मजहूल। कौला मारूफ है और कीला मजहूल है। तो यहाँ पर इस फेल के अंदर जो फाइल है वो अननोन है। कीला फाला का मजहूल से था जो हम मतलब ग्रामर में पढ़े थे, उसका फोइला है ना, फाला फोइला। जी बिल्कुल, फाला फोइला, लेकिन ये हर्फ इला के साथ है ना, औला जो है इसके बीच वाला जो आइन कलेमा है वो मालूल है, इसलिए इसका जो वजन है वो कीला इस तरह से हमें मिल रहा है। या नूशो हर्फ निदा के साथ मुफरद आ गया, इसी वजह से ये मरफू है। इहबित ये हमारे पास कौन सा फेल है? फेल अमर, इसके अंदर अंता की दमीर है जो फाइल की तरफ जा रही है। फिर हमारे पास है बिसलाम मिन्ना मजरूर, बिल्कुल ये जार मजरूर है, बिसलाम। और ये असल में हाल भी है, हाल है, लेकिन ये हालत जर में हमें मिल रहा है जार मजरूर की तरकीब की वजह से, अदरवाइज ये हाल है फाइल का। यानी हजरत नूह अलैहि सलाम को कहा जा रहा है ना कि उतर जाओ बी सलामिन, सलाम के साथ, तो यानी जो फाइल का हाल है वो सलाम है। मिन्ना ये जार मजरूर आ गया हमारे पास। बरकातिन वाउ आतफ है, बरकात फिर हमारे पास माकूफ हो रहा है, तो इसीलिए ये सलाम का जो एराब है ये बरकात के ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, वो भी मजरूर है और ये भी मजरूर है। वो मजरूर क्यों है? वो हर्फ जार की वजह से मजरूर है। और बरकात मजरूर क्यों है? वो मातूफ होने की वजह से मजरूर है। ठीक है, वो सलाम का जो है ना इफेक्ट उसके ऊपर जा रहा है बरकात के ऊपर। फिर बीच में मिन्ना आने के बाद भी ये वाव फिर ये बी वाले का वो इफेक्ट डालेगा इसमें, मतलब हाँ जी क्योंकि बाजू होता है, लेकिन ये बीच में मिन्ना आ गया।
हाँ जी वो तो आ रहा है, लेकिन वाव चूंकि अतफ है इसलिए वो एराब को आगे लेके जा रहा है। okay. अतफ होने की वजह से वो इफेक्ट आगे जा रहा है। okay. और इसी तरह जार मजरूर आ गया अलैका वअला उममिम मिम्मन माक, यहाँ पे भी हमारे पास ये अलैका जार मजरूर है, फिर वाओ हर्फ अतफ अला उममिन, ये भी हमारे पास जार मजरूर की तरकीब है, और मिम्मम मिम्मन माका। अच्छा यहाँ पर मिन हर्फ जार है, जबकि यहाँ पर ये जो मिम्मन है ये इस्म मौसूल है। ठीक है, जैसे माँ और मन ये दो हमने अस्माए मौसूला पढ़े थे, जो गर्दान थी उसके अलावा हमारे पास दो जो अस्माए मौसूला आते हैं वो एक माँ है और एक मन है। और माँ का जो है माँ ये हमारे पास ज़र्फ है और माँ का मुदाफ मुदाफ इलैह। वाओ अब हमारे पास जो नेक्स्ट वाला आ रहा है ये हमारे पास इस्तिनाफ के लिए है, और इस्तिनाफ जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इस्तिनाफ से क्या होता है कि पिछली बात खत्म हो गई है अब अलहदा से बात शुरू हो रही है। ठीक है, व उममुन सनुमतिउहुम सुम यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अली। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये उममुन है मुब्तदा और सनुमतिउहुम यहाँ पे खबर आ रही है जो के फेल है, और इसमें ये जो सीन शुरू में आ रहा है ये अनकरीब के लिए है, जैसे सौफा या सा जो है वो अनकरीब के मीनिंग देता है। अगर ये सीन को अब यहाँ जब्त कह सकते हैं क्योंकि ये अनकरीब टाइम पीरियड बता रहा है। नहीं ये असल में हर्फ है, हर्फ इस्तकबाल बोलते हैं इसको, कि सा और सौफा जो है वो फेल मुबारक के साथ आते हैं तो वो फ्यूचर के लिए वो कर देते हैं ना, उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो सा है ये हर्फ इस्तकबाल के लिए है। अच्छा नुमत्तिउ ये हमारे पास फेल मुबारक है जो कि मरफू है, और इसके बाद जो हुम है वो हमारे पास मफ़ऊल बिही है, और नुमत्तिउ में जो है हमारे पास दमीर नहनु की वो मौजूद है। नुमत्तिउ फेल किस बाब में से है? तफ़अला वो जो आइन कलिमा अशद होता है सेकंड बाब मजीद फी। जी मजीद फी ही का जो सेकंड बाब है फ़अला युफ़ाइलु मत्ता तफ़ील। बिल्कुल बाब तफ़ील नाम है इसका। फिर सुम्मा हमारे पास आतफ के लिए आ गया, यमस्सुहुम मिन्ना यमस्सु फेल है। ओके यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम ये हमारे पास जुमला फेलिया हो गया। अब इसमें यमस्सु फेल है तो फेल यमस्सु हो गया तो इसका फाइल और मफूल कौन सा होगा? या में फाइल है हुम मफूल है मतलब। हाँ मफ़ऊल तो आपने ठीक बताया है, मफ़ऊल जो है वो हुम है, लेकिन यहाँ पर जो फाइल है ना वो मुतअख़्खिर है अज़ाबुन, यानी यमस्सुहुम पहुंचेगा उनको, जो चीज पहुंचेगी वो अज़ाब है। तो मिन्ना जार मजरूर हो मिन्ना मतलब ये फाइल मिन्ना नहीं होगा, पहुंचेगा उनको हमारी तरफ, करने वाले मिन्ना है ना, मिन्ना जार मजरूर है। लेकिन अब ये जुमले फेलिया में ये फेल फाइल मफ़ऊल की कैटेगरी में कहाँ फिट हो रहा है? जो फाइल है वो अज़ाब है, जो हुम है वो मफ़ऊल बिही है, और मिन्ना जार मजरूर है, और ये जुमला फेलिया में मुतअल्लिक फेल होता है ना। अच्छा, फेल के बारे में बताया जा रहा है। और अज़ाबुन अलीम ये हमारे पास नात मनऊत आ गया, सिफा मौसूफ की इसमें तरकीब बन रही है। ओके okay. तो
तो अब हमारे पास टाइम 2 मिनट्स ही रह गए हैं. अगर हमने अगली आयत शुरू की तो फिर हम फिनिश नहीं कर सकेंगे इसको. तो यहीं तक हम अपना रखते हैं लेसन. अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.